चलो सो लेट्स स्टार्ट विद दी थिंग्स. सो ऑल दो वी आर गोइंग टू रिवाइज दीज सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, विल ओनली टच अप दी नेटबीन्स एंड जावा पार्ट, जिसमें विल ट्राई टू सॉल्व व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर जनरली आस्क्ड, एंड देन हाउ विल यू मार्क देम, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ गिविंग द आंसर्स. ठीक है, मैं पहले आपको सैंपल पेपर्स दिखाता हूँ. जस्ट हैव ए लुक ओवर हेयर. नाउ सी, दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज क्वाइट आस्क्ड. ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं दैट रूबी ऑफ क्लास 11 has just started learning Java programming. Help her in the following things. First is explain her the concepts of the variable. What are variables and what are data types by giving some suitable example. Now, first of all, you need to define. ये questions करने हैं, दो number का question है. आपको definitions भी देनी हैं और you need to give the examples also. राइट, सो व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस वेयर सर्टेन वैल्यू कैन बी सेव्ड. फॉर एग्जांपल, इफ यू राइट एक्स इज इक्वल टू 2, सो दिस एक्स इज अ वेरिएबल. X is a variable over here, and basically what happens is when you define X, so X नाम से एक memory location allot हो जाती है. उस memory location में जो भी हम X को value assign करेंगे, that value will be saved at that memory location. ठीक है, तो ये एक तरह की named memory location, it's a name of some location where some value can be saved. ठीक है, सो देन व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप डिफाइंस के व्हाट टाइप ऑफ डेटा कैन बी असाइन टू सच वेरिएबल्स. लाइक इफ आई राइट इंट एक्स मींस द वेरिएबल एक्स कैन हैव ओनली इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल वैल्यूज. राइट, सो फॉर एग्जांपल्स एग्जांपल्स में आप ये लिखना इंट एक्स. So here int is a data type and x is a variable. Fine. Second is help her in understanding the difference between the assignment operator and comparison operator. Assignment operator, naam se pata lagta hai, assignment is to assign a value to something. Equal to jo hai wo aapka assignment operator hai. Theek hai? असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना. लाइक द सेम एग्जांपल कैन बी रिटन अगेन. इफ यू राइट एक्स इज इक्वल टू 5, दिस इक्वल टू सिंबल इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू नंबर 5 टू अ वेरिएबल एक्स. एक्स एक वेरिएबल को 5 जो वैल्यू है वो असाइन कर दी गई किसने की इक्वल टू ने. तो दैट इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर है. राइट, नेक्स्ट इज कंपैरिजन. अब ये जो क्वेश्चन है ये कई फॉर्म्स में आता है. कंपैरिजन ऑपरेटर वो है जो दो वैल्यूज को कंपेयर करता है. इट कैन बी टू वेरिएबल्स, इट कैन बी टू एक्सप्रेशंस, इट कैन बी टू न्यूमेरिक वैल्यूज. ठीक है, आप एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखोगे तो जो ग्रेटर देन इक्वल टू है दिस इज द कंपैरिजन ऑपरेटर हियर. It compare whether the value of x is greater than or equal to 2. ठीक है, 2 और x की values को हम compare कर रहे हैं. Fine. अब comparison operators में एक तो आपका greater than symbol आ गया, एक smaller than symbol आ गया, less than से, और एक greater than equal to है, एक less than equal to है, एक double equal to है. Double equal to क्या करता है? If you write x double equal to 2, that means
वी आर कंपेयरिंग वेदर द वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू असाइन टू एक्स इज इक्वल टू टू और नॉट। यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि एक्स की जो वैल्यू असाइन की गई है वो टू के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन कम्स इन अनदर फॉर्म ऑल्सो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सेम क्वेश्चन, इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंगल इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर विच असाइन्स ए वैल्यू टू अ वेरिएबल। यू कैन गिव एन एग्जाम्पल लाइक एक्स इज इक्वल टू फाइव इज रिटन, दैट वैल्यू फाइव इज असाइन टू अ वेरिएबल नेम्ड एक्स। एंड इफ यू राइट डबल इक्वल टू, डबल इक्वल टू इज ए कंपेरिजन ऑपरेटर विच कंपेयर्स टू वैल्यूज। Right, and if we write examples can be given, if x equal equal to 2 is written, that means we are comparing whether the value of x is equal to 2 or not. ठीक है, तो ये बहुत important question है second वाला, right? This is another type of questions which generally comes where we have to find out what is the output of the following code. The code is given. And we need to find out what is the answer of it. ये दो कोड हैं, एक फर्स्ट कोड है, एक सेकेंड कोड है, क्योंकि दो मार्क्स का है इसलिए, राइट? सो फर्स्ट कोड में क्या है, जस्ट गो थ्रू इट स्टेप बाय स्टेप, हमेशा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट में int x is equal to 2, y is equal to 40. So we have two variables, one is x, one is y. X की initial जो value है वो 2 है, y को initial value assign की गई है 40. That means in short terms we can say x की value 2 है, y की value 40 है, जैसे हम maths में करते हैं। Now what in the second statement what we are doing is we are just comparing. While statement है, तो while statement में अगर ये comparison से आपका answer true आता है, तो ये loop जो है यहाँ से लेके curly braces तक, closing curly braces तक ये loop चलेगा। उसके बाद हम दोबारा से वाइल चेक करेंगे कंडीशन, अगर वो फिर से ट्रू है तो ये फिर से चलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, दो स्टेटमेंट्स, ये एग्जीक्यूट होती रहेंगी कंटिन्यूसली जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, हमारा जो है टर्मिनेट हो जाएगा लूप, लूप विल टर्मिनेट। ठीक है, तो लेट्स सी दिस, वाई इज 40, एक्स इज 2, 40 लेस देन इज इक्वल टू 2, 40 less than equal to 2. Is it true or false? It is false, I suppose. 40 2 से छोटा नहीं है, तो फॉल्स होने पे क्या हुआ, कोई भी लूप टर्मिनेट, दिस लूप विल नॉट बिगिन इटसेल्फ, शुरू ही नहीं होगा। ठीक है, सो विल सिंपली राइट देयर व्हाट इज द आउटपुट, द लूप विल नॉट रन, यू सिंपली राइट, बिकॉज देयर इज नो प्रिंट स्टेटमेंट आफ्टर दिस। यहाँ पे अंदर प्रिंट स्टेटमेंट थी सेट टेक्स मेथड से, तो ये एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी, बट यहाँ पे तो लूप चलना ही नहीं। विल सिंपली राइट लूप विल नॉट एग्जीक्यूट, लूप विल नॉट स्टार्ट, फाइन। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड कोड, सेकंड कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे भी वही है, इनिशियल एक्स की वैल्यू 2 असाइन हो गई, वाई की 40 हो गई, देन इट इज रिटन डू। डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन बाद में चेक होती है, पहले हम एक बार सारा कुछ चलाएंगे। तो इस केस में सबसे पहले ये लाइन होगी प्रिंट, इसमें सेट टेक्स्ट है, सेट टेक्स्ट का मतलब है प्रिंटिंग, राइट? सेट टेक्स्ट मेथड इज यूज्ड टू प्रिंट। व्हाट आर वी गोइंग टू प्रिंट, वी आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट? वेयर वी आर प्रिंटिंग इन द टेक्स्ट फील्ड वन, टेक्स्ट फील्ड वन इज द नेम ऑफ द टेक्स्ट फील्ड वेयर वी आर प्रिंटिंग ए वैल्यू। ठीक है, और क्या कर रहे हैं हम प्रिंट, जो ब्रैकेट के अंदर है एक्स की वैल्यू, एक्स इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, अकेला एक्स लिखा है तो एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी। एक्स की वैल्यू क्या है, 2, तो इस टेक्स्ट फील्ड में क्या प्रिंट हो जाएगा, 2। तो दिस इज व्हाट वी आर प्रिंटिंग, दिस इज हाउ वी राइट प्रिंटिंग स्टेटमेंट सेट टेक्स्ट, राइट? तो देयर आर बेसिकली टू थ्री टाइप्स, टू थ्री वेज ऑफ राइटिंग प्रिंटिंग स्टेटमेंट। तो मैं ये एग्जाम्पल के बाद में आपको सारे वेज बताता हूँ एक बार। सो जस्ट रिमेंबर दैट द सेट टेक्स विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल एक्स इनटू दिस फील्ड। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू 2 है तो इस टेक्स्ट फील्ड में 2 प्रिंट हो जाएगा, प्रिंटिंग वाला काम हो गया।
नाउ वी हैव आंसर वन. उसके बाद द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज एक्स प्लस एट, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एट. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर एडिंग एट टू द वैल्यू ऑफ एक्स एंड देन असाइन द वैल्यू बैक टू एक्स. सो दैट मीन्स वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू टू थी, टू में एट प्लस किया, टू और एट कितना हो गया टेन. नाउ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, नाउ वी इट इज टेन. सो वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, वी आर एडिंग एट इन टू द एक्स एंड असाइनिंग इन बैक टू एक्स. तो आठ एक्स में ऐड करके वापस एक्स को दे देना है. तो दैट मीन्स एक्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी. पहले टू थी, टू प्लस एट बिकम्स टेन, नाउ एक्स इज टेन. ठीक है, इसके बाद जहाँ पे भी एक्स यूज होगा वो टेन यूज होगा, नॉट टू, बिकॉज लेटेस्ट जो अपडेटेड वैल्यू है वही पिक की जाती है. दिस लाइन इज ऑल्सो ओवर, कमिंग टू दिस ब्रैकेट क्लोज हो गया. इसके बाद हमने कंडीशन देखनी है. कंडीशन क्या है, y less than is equal to x, y is 40 and x is 10. x की लास्ट वैल्यू 10 हो गई, यहाँ पर 2 नहीं है अब 10 है. तो 40 less than is equal to 10, 40 10 से छोटा है, नो इट इज़ रॉन्ग. सो आपकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे फॉल्स हो गया. दैट मीन्स योर लूप विल टर्मिनेट, राइट. बट इन दिस केस प्रिंट स्टेटमेंट विल रन एट लीस्ट वंस. यहाँ पे हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा. इस केस में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने पहले चेक किया था, राइट. और वाइल में यही होता है कि वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप बिल्कुल भी नहीं चलता. डू वाइल में एक बार सारा कुछ चलेगा, फिर हम चेक करेंगे. अगर फॉल्स हो गया तब भी एक बार तो लूप चलेगा ही. तो इसका आंसर क्या होगा, द लूप विल टर्मिनेट और लूप विल नॉट रन. और हेयर यू विल राइट व्हाट इज द आंसर, 2 इज द आंसर, राइट. इट हैज आल्सो आस्क्ड यू टू गिव रीजन फॉर द आंसर. रीजन में आप स्पेसिफाई यही करो कि व्हाइल स्टेटमेंट में वी चेक द वैल्यू फर्स्ट, राइट, एंड इफ दैट वैल्यू इज फॉल्स देन विल नॉट जंप इनटू द लूप. सो इन दिस केस दिस वैल्यू इज फॉल्स एंड देन द लूप विल नॉट रन. और यहाँ पे हम बताएंगे कि डू व्हाइल में क्या होता है कि वी रन एवरीथिंग वंस एंड देन विल चेक. So if in case it is false, even then at least one time all the statement present in this loop will be executed. ठीक है, तो इसमें आंसर आपका 2 आ जाएगा. Fine. So एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, predict the output, उसी की तरह का क्वेश्चन है. वो while पे बेस्ड है, while और do while पे, ये for loop पे बेस्ड है. Output of the following code. In this code, what is written? The start with the first line. N is equal to 4 and F is equal to 0. That means the value of N is assigned with value 4 and F key value 0 hai. Or I is also initialized, but I is also declared, but I ko humne initialized value nahi di hai. Then coming to the next statement which is for, यहाँ पे हमने i को initialize किया 1. अब for loop में क्या होता है कि पहले हम initialization करते हैं, फिर हम condition check करते हैं. अगर ये condition true है तो loop के अंदर जाएंगे, और अगर ये condition false हो गई तो हम सीधा loop से बाहर हो जाएंगे. फिर हम सीधा यहाँ पे आ जाएंगे, और जब ये loop true होने पे ये loop के अंदर गए, और उसके बाद फिर हम अपडेशन पे जाते हैं. अगर अपडेशन होने के बाद फिर से आई विल चेक दिस कंडीशन स्टेटमेंट, अगर कंडीशन ट्रू है विल अगेन गो इनसाइड द लूप, एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स विल गो आउटसाइड द लूप, द लूप विल टर्मिनेट. दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग. सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स आर वर्किंग हियर. i की वैल्यू 1 है. 1 less than is equal to n, n is 4. 1 less than 4 is true. Bye. So 1 less than equal to 4 is true. Okay, 1 4 से कम है, true है. So हम loop के अंदर गए, यहाँ पे क्या किया, f is equal to f into y. Hello.
कौन बातें कर रहा है? ध्यान से सुनो बच्चों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आना नहीं तो बाद में। एफ स्टार आई, व्हाट इज एफ? एफ इज जीरो, व्हेन इज आई? आई इज वन, जीरो इंटू वन इज जीरो, एफ रिमेन्स जीरो ओनली, एफ की वैल्यू जीरो रहेगी। तो एफ को जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो रहेगा, तो लूप में जाने के बाद भी एफ की वैल्यू जीरो है। फिर हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि ये लूप में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, विल जंप टू अपडेशन। आई प्लस प्लस मीन्स विल ऐड वन टू आई, आई की वैल्यू वन थी उसमें वन प्लस कर दो, वन प्लस कर दिया तो आई की वैल्यू अब कितनी हो गई? टू हो गई, आई की वैल्यू चेंज होके टू हो गई। अब अपडेशन के बाद हम फिर से कंडीशन पे आएंगे, टू लेस देन इज इक्वल टू फोर, फिर से ट्रू हो गया। कम हेयर मल्टीप्लाई एफ इंटू आई, आई वॉज टू नाउ बट एफ इज स्टिल जीरो, सो जीरो इंटू टू इज अगेन जीरो, राइट? सो एफ विल रिमेन जीरो ओनली। और आई इंक्रीज कर दिया, आई बन गया यहाँ पे आके थ्री, वन प्लस करना है क्योंकि अपडेशन में प्लस प्लस लिखा है। आई वॉज टू, सो टू प्लस वन बिकम्स थ्री, थ्री लेस देन इज इक्वल टू फोर इज अगेन ट्रू। विल कम हेयर एफ जीरो मल्टीप्लाई थ्री इज अगेन जीरो, एफ फिर से जीरो रहेगा। और यहाँ पे आए उसके बाद अपडेशन पे, आई बिकम्स फोर नाउ, थ्री प्लस वन फोर, फोर लेस देन इज इक्वल टू फोर, कंडीशन इज अगेन ट्रू, क्योंकि फोर लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू तो है। फोर लेस देन इज इक्वल टू फोर इज अगेन ट्रू, ट्रू होने पे फिर से यहाँ हो, एफ की वैल्यू अभी फोर है, फोर मल्टीप्लाई आई इज, सॉरी आई इज फोर एंड एफ इज जीरो अगेन, सो जीरो इंटू फोर ये जीरो ही रहेगा। और उसके बाद आई चेंजेस इंटू फाइव हेयर, फोर प्लस वन फाइव, एंड फाइव लेस देन इज इक्वल टू फोर। अब ये टर्मिनेट, अभी कंडीशन फॉल्स हुई, फाइव पे जाके वन पे ट्रू थी, टू पे ट्रू थी, थ्री पे फोर पे ट्रू थी, फाइव पे जाके ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फाइव लेस देन इक्वल टू फोर इज रॉन्ग। ठीक है, तो आपका लूप यहाँ पे ओवर हो गया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में क्या है? प्रिंट स्टेटमेंट है, सेट टेक्स्ट लिखा है, सेट टेक्स्ट मतलब वी नीड टू प्रिंट, प्रिंट व्हाट? द वैल्यू ऑफ एफ, एफ की वैल्यू जीरो ही रही बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग इट एवरी टाइम बाय जीरो, सो वी विल गेट जीरो। और जीरो कहाँ प्रिंट करना है? टेक्स्ट फील्ड वन में, ये जो पहली टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर जीरो प्रिंट हो गया, राइट? देन वी हैव नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है? टेक्स्ट फील्ड टू में वी नीड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई, आई की लास्ट वैल्यू क्या थी? सो रिमेंबर लास्ट एंड अपडेटेड वैल्यू ओनली इज यूज्ड, फाइन? सो आई वाज लास्ट, आई वाज फाइव, फाइव पे जाके कंडीशन हमारी फॉल्स हुई थी। सो टेक्स्ट फील्ड टू में आंसर आ जाएगा फाइव। लो जी, ड्राइंग करनी है, आई हैव डिसेबल्ड दिस नाउ, कर लो ड्राइंग। सो दैट्स इट, द आउटपुट विल बी योर फर्स्ट केस, फर्स्ट लाइन में जीरो, टेक्स्ट फील्ड वन में जीरो, टेक्स्ट फील्ड टू में फाइव आंसर प्रिंट होगा, राइट? ओके, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स। सी प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स, हेलो, यस सर,
ओके, प्रिंटिंग कैन बी डन इन थ्री वेज. सी, फर्स्ट इज यू कैन यूज सेट टेक्स्ट स्टेटमेंट, जस्ट जैसे अभी हमने एग्जांपल्स देखे. और सेकंड वे इज, मम्मी आए उधर, सेकेंड वे इज वी कैन यूज दैट जो हमने पहली एग्जाम्पल्स में देखा था, राइट. इट वॉज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. ये रहा. सो ओके, आई फाउंड दैट sheet. Let me jump to that place. Okay, see here you can see displaying the text or values in Java. We have three options. One is this, ye text field wala. Isme kya karte hain hum, text field ka naam likha aur set text likha aur uske baad jo kuch print karna hai bracket ke andar likh dena hai. ठीक है, टेक्स्ट फील्ड का नाम मतलब के क्या, जिस फील्ड के अंदर हम प्रिंट कर ले. आई वॉज टॉकिंग, जैसे हम लोग पीछे बात कर रहे थे कि हम फ्रंट एंड बैक एंड बना सकते हैं. वो फ्रंट एंड क्या है, फ्रंट एंड इज द डिज़ाइन. जैसे आपने मान लो एक फॉर्म बनाया जिसमें यू हैव एंटर्ड वन टेक्स्ट फील्ड वेयर यूजर कैन एंटर अ वैल्यू, right, and you just want to find the area of that particular number which is entered by the user, right. मान लो यूजर से हम रेडियस इनपुट करा रहे हैं सर्कल का और हमने उसको एरिया कैलकुलेट करवा के प्रिंट कराना है. जो भी नंबर यूजर वहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में एंट्री करे उसका एरिया निकाल के हमें प्रिंट करना है. तो वो पॉसिबल कैसे होगा, उसके लिए हम ये टेक्स्ट फील्ड यूज करते हैं, right. So if you want to print certain things in a text area or a text field or a label, inke andar printing karne ke liye hame un text fields ka naam yahan dena hoga. Then we'll write full stop, then we'll write set text, right. Set text is the method used to print any value within that given field. Theek hai, तो जो जिस फील्ड की हम बात कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आएगा और सेट टेक्स्ट मेथड से हम उसमें प्रिंट कर सकते हैं. व्हाट वी आर प्रिंटिंग हियर इज एरिया इक्वल टू. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इतना पोर्शन है इन्वर्टेड कॉमा एरिया इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यहाँ से लेके यहाँ तक. नाउ दिस इज बेसिकली इनक्लोज इन इन्वर्टेड कॉमास. इन्वर्टेड कॉमास का मतलब है कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा वहां पे टेक्स्ट फील्ड में. एरिया इक्वल टू विल बी प्रिंटेड एज इट इज, एरिया इक्वल टू वहां पे प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद हमने ये प्लस लगाया, प्लस होता है कि और क्या प्रिंट करना है. वी वॉन्ट टू प्रिंट ए, it will not print A there, it will print the value of A. Why? Because this A is not written in inverted commas. A को inverted comma में नहीं लिखा है. इसका मतलब ये A की जो value है वो उसको print करेगा. A is a variable, right? So A यहाँ पे एक variable है, उसकी जो value होगी वो print होगी. तो area इससे पहले हमने calculate करना पड़ेगा using certain formula that I'll show you how calculation is done. वो मैं बाद में आपको बताऊंगा. तो a की जो भी value find out होती है वो statement के बाद इस text field one के अंदर print हो जाएगी. This is one way of printing, right? यहाँ पे नीचे हमने कोई variable नहीं print किया, simple hello java एक text value है, as it is इस label के अंदर print हो जाएगी. This is one way of printing. सेकेंड इज यूजिंग ए डायलॉग बॉक्स. डायलॉग बॉक्स क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई भी ये है, मैं दिखाता हूँ. व्हेन यू ओपन समथिंग
तो ये जो अलग से बॉक्स मिलता है ना, दिस इज वन टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स. दिस इज बेसिकली अ विंडो हेयर, बट अगर आप कोई फाइल ओपन की है, आप क्लोज पे क्रॉस पे क्लिक करते हो, तो एक बॉक्स आता है कि डू यू रियली वॉन्ट टू सेव द फाइल्स और यू वॉन्ट टू सेव द फाइल्स और एग्जिट. तो वो एक डायलॉग बॉक्स है. कोई डायलॉग बॉक्स अगर आपको आंसर डायलॉग बॉक्स की फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए ये स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती है. ये ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन सेम होता है, बस ये बाहर वाली चीज चेंज हो जाएगी. राइट, दिस विल ऑल्सो डू इन डिटेल इन केस इट कम्स अगेन. थर्ड वे इज दिस प्रिंटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln. ये काम करते हैं, ये जो रिजल्ट आउटपुट विंडो है NetBeans की, वहाँ पे प्रिंटिंग होती है. आउटपुट विंडोज कहाँ होती है, जो जहाँ पे आप सारा डिज़ाइन बनाते हैं, जस्ट उसके नीचे बॉटम लाइन इज द आउटपुट विंडो. सो दिस विल रिजल्ट प्रिंट द वट एवर वी हैव गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो भी है कोई स्ट्रिंग वैल्यू है या कोई वेरिएबल है, तो ये वैल्यूज वहाँ पे आउटपुट एरिया में प्रिंट होंगी. ठीक है, ये कंट्रोल्स के अंदर, लेबल्स या टेक्स्ट फील्ड या इन चीज़ों के अंदर, ये अलग से डायलॉग बॉक्स में, और ये आउटपुट विंडो के लिए. ठीक है, जो हम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाते हैं वहां पे हम ये दोनों यूज करते हैं, दीज टू. राइट, जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर इन पे बेस्ड है, सेट टेक्स्ट मेथड पे. ठीक है, दिस इज ऑल्सो यूज बट द प्रैक्टिकलिटी में दिस इज नॉट यूज. राइट, ओके, आई विल जंप ओवर बैक टू द प्रैक्टिस सेशन. लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस ऑफ आउट ऑफ इट. ये वैसे सीक्वल के क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे, माई सीक्वल के. चलो ये भी प्रैक्टिस कर लेते हैं साथ के साथ ही. चलो सीक्वल की प्रैक्टिस मैं बाद में ही कराऊंगा, एक साथ करने का फायदा कोई नहीं है, मिक्सअप हो जाएगा. लो, दिस इज द क्वेश्चन. नाउ हेयर व्हाट इज रिटन, लाइक शिवा हैज प्लेस्ड टू रेडियो बटन्स, द बटन्स वी हैवन डन, सो विल नॉट डू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. ये करते हैं आउटपुट वाला. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एप्लीकेशन इज वन. सो इफ दिस वेरिएबल एप्लीकेशन, इसकी वैल्यू अगर वन है तो आउटपुट क्या होगा. अब स्विच में याद रखो, स्विच में क्या होता है कि इस एप्लीकेशन की वैल्यू, जो वेरिएबल यहाँ लिखा है, और केस की वैल्यू को मैच किया जाता है. जहाँ पे मैच मिल गया उस केस की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देते हैं. राइट, सो एप्लीकेशन की वैल्यू वन थी, सो विल मैचिंग इट विद केस वन. केस वन से मैच हुआ, केस वन में क्या स्टेटमेंट है, ये प्रिंट हो जाएगी. अगेन टेक्स्ट फील्ड वन नाम का एक टेक्स्ट फील्ड है, इसको अंदर हमने प्रिंट करना है क्या, ब्राउजर लिखा हुआ प्रिंट करना है. ब्राउजर इन्वर्टेड कॉमा में था तो ब्राउजर एज इट इज प्रिंट होगा. राइट, सो विल गेट ब्राउजर इन द टेक्स्ट फील्ड वन. फाइन, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वंस वी आर डन विद दिस, इसके बाद यहाँ पे ब्रेक लिखी होनी चाहिए, या नेक्स्ट लाइन में या इसके बाद. If break is not there, then we have to run the next statement also. Break लिखना compulsory है. Compulsory इसलिए क्योंकि break का मतलब है we'll end up everything and we'll go out of the loop. हमने सारा यहाँ पे खत्म कर देना, printing के बाद हमारा काम खत्म हो गया. We need to put a break over here. But in this case, the break is not written. In case break is not written, then what we are going to do is we have to run the next line also. ठीक है, यहाँ पे ब्रेक आया तो यहाँ पे जाके खत्म होगा. अगर ये ब्रेक यहाँ पे भी नहीं होता तो इसके बाद वाली स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करते, फिर ब्रेक करते. राइट, सो ये प्रैक्टिकल जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है उसमें बहुत बार एग्जाम में आता है ब्रेक की सीक्वेंस. इफ ब्रेक इज नॉट रिटन, देन यू हैव टू रन द नेक्स्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट ऑल्सो, विच मे बी इन द नेक्स्ट केस. राइट, तो ये स्टेटमेंट भी रन होगी. Now what the statement says, it is again a print statement and we are going to print this value OS in the text field 1.
तो टेक्स्ट फील्ड वन के अंदर ये वैल्यू ओ एस प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सो नाउ रिमेंबर, ये यहाँ पे हर जगह पे टेक्स्ट फील्ड वन है। टेक्स्ट फील्ड में प्रॉब्लम ये भी होती है कि जो पुरानी वैल्यू है उसको नई वैल्यू ओवरराइट करती है, तो मतलब ब्राउजर हट जाएगा, उसकी जगह पे ओ एस आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या है? ओ एस, ब्राउजर खत्म हो गया, बिकॉज ये ओवरराइट होता है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक आ गया, तो दैट मीन्स वी आर एंडिंग एवरीथिंग हियर, विल कम आउट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। सो व्हाट इज द आंसर? आउट आंसर इज ओ एस, फाइन। Then it is written, rewrite the above given code thoroughly using if else. इसको if else में change करना है, ये मैं आपको homework में देता हूँ। Study it thoroughly. I'll give the screenshot in the group. So ये इसको try करना खुद, if else में change करना। If else में कैसे करेंगे? If application equal to zero, तो ये line आ गई। If एप्लीकेशन इक्वल टू वन, तो ये स्टेटमेंट आएगी। लाइकवाइज इफ एल्स लेटर बनेगी, ठीक है। तो ट्राई दिस योरसेल्फ एंड देन रिवर्ट इफ यू हैव एनी ट्रबल। सो दैट्स इट, आई थिंक टाइम इज रनिंग अप, सो विल एंड अप हियर नाउ, एंड व्हाटएवर डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स यू हैव यू कैन डिस्कस नेक्स्ट टाइम, और यू कैन टेक्स्ट मी थिंग्स। ये मैं क्वेश्चन जो अभी बोला है इफ एल्स में चेंज करने वाला, ट्राई इट योरसेल्फ, और अगर समझ नहीं आया, प्रॉब्लम आई, तो विल डेफिनेटली डिस्कस नेक्स्ट टाइम, बट डू रिमेंबर, राइट। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, आई एल एंड अप हियर नाउ। ओके देन, गुड बाय।